दिस रिपोर्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय न्यू मल्होत्रा ज्वेलर्स, शॉप नंबर 1, चौहाटा बाजार, मंडी, गिविंग यू अ न्यू स्टाइल। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर हिमाचल में ड्राई रन यानी मॉक ड्रिल शुरू हो गई है। इस माह के अंत तक हिमाचल में भी कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन को लेकर प्रोटोकॉल तैयार कर लिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन समेत अन्य चीजों को लेकर सभी तैयारियां की गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि अब सूबे समेत मंडी जिला में काफी हद तक कोरोना संक्रमण नियंत्रित है। कोरोना संक्रमित मामले कम आने पर किसी भी स्तर की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। सीएम जयराम ठाकुर आज सर्किट हाउस मंडी में अधिकारियों के साथ कोरोना फीडबैक को लेकर बैठक की और विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शिमला के बाद मंडी जिला में कोरोना संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब इसमें कमी आई है। उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए मजबूरन कुछ पाबंदियां लगानी पड़ी और सख्त कदम भी उठाने पड़े, जिनके बदौलत आज कोरोना की रफ्तार कमजोर पड़ी है। तो पिछले कुछ अरसे से जब से हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं सोशल गैदरिंग्स पर और उसके साथ साथ में और भी हमने कुछ चीज़ों को लेकर के कुछ निर्णय किए हैं, उनके अच्छे परिणाम सामने आए हैं और कोविड का नंबर पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां एक वक्त जो है लगभग 900 और 1000 तक भी पहुंचा था, वो नंबर अब आकर के 150-200 के बीच में आ गया है। लेकिन फिर भी उसको हमको सावधान होकर के काम करना है और ऐसी सिचुएशन में लापरवाही ना हो, इस बात को हमने सभी अधिकारियों को कहा है। आप ये मान करके चलिए कि ड्राई रन एक तरह का, जिसको हम बोल सकते हैं मॉक ड्रिल, जिसको है वो उसी तरह का है और बहुत जल्दी इसी महीने के अंत तक जो है, इसी महीने हमको उम्मीद है कि भी वैक्सीन आ जाएगी हिमाचल प्रदेश में भी, और उसके लिए हमारा प्रोटोकॉल बन करके तैयार है, उसके लिए हमारी तैयारियां हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन की, उसके रखने की व्यवस्था और उसके बाद सारी चीज़ों को लेकर के हमारी पूर्ण रूप से तैयारी है। बैठक से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने संस्कृति सदन के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने संस्कृति सदन को 4 माह के भीतर पूरी तरह से तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने मात्र संस्कृति सदन के लिए पत्थर रखने का काम किया है, जबकि इसके लिए बजट का प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि संस्कृति सदन के निर्माण में भाजपा सरकार का मुख्य योगदान रहा है। आज हम देख कर क्या है, हमने कहा कि 4 महीने के अंदर ये जो है वो तैयार होना चाहिए, हर हालत में तैयार होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4-5 महीने के अंदर अंदर उस कम्प्लीशन स्टेज पर है, क्योंकि ये संस्कृत सदन पत्थर तो रख के चले गए थे लेकिन हकीकत है न बजट प्रोविजन इसमें थे, ना इसकी क्लियरेंसेस थी, और 2017 का इसका फाउंडेशन स्टोन, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम 2017 का होगा, लेकिन काम जा करके नवंबर 2018 में शुरू हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आई, जिसने सारी क्लियरेंसेस की, बजट के प्रोविजन किए, इसकी ड्राइंग डिज़ाइन से लेकर के सारी चीज़ें शुरू करके जो है इसको यहाँ तक पहुँचाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 4 महीने के अंदर अंदर ये बन करके तैयार होगा। ये बहुत बड़ा एक मंडी के लोगों के लिए हम इसको समझते हैं कि एक बहुत उपयोगी एक चीज हो। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।